हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप एक नए विषय पे मैं आपके सामने आई हूँ। हम अपने शरीर को खाली अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्लासेस कोर्स में थोड़ा सा हम टेक्निकल टर्म्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ आपके लिए कि आप खाली इन पॉइंट्स पे प्रेशर देके, स्टार मैग्नेट लगा के, सीड्स लगा के इनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने शरीर को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि हम छोटी छोटी सिंपल सी टेक्निक्स यदि हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे को अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में बदलाव मिलेगा। हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो जिनके सिक्रेशन के द्वारा हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में मदद मिलती है। तो आज हम सिर्फ छोटे तौर पे समझेंगे कि अगर हमने अपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर लिया जिमी के सहायता से, कोई भी सीड लगा के या स्टार मैग्नेट लगा के, वो मैं पूरा आपको ट्रीटमेंट बताऊँ कि सिर्फ आपको मैं अभी ग्लैंड्स की पोजीशन ही बता रही हूँ कि ग्लैंड्स आपका हमारा कहाँ कहाँ होता है, और बहुत शॉर्ट में हम बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ को कंट्रोल करता है। बाकी तो डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप एक्यूप्रेशर बेसिक का कोर्स कर सकते हैं, जिससे हमें और थोड़ी डीप जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा ब्रेन के बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, टॉप ऑफ द ब्रेन पे ये पॉइंट होता है, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन से रिलेटेड ऑर्गन्स को, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी के साथ ही आपका होता है पीनियल ग्लैंड। ये दोनों साथ में ही मिलके काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पूरे ब्रेन एरिए को और आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यदि आप एक्यूप्रेशर की इस तरह की जिमी होती हैं, उनको आप यहाँ पे प्रेशर पॉइंट क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएं और शांत होके, रिलैक्स होके इसको दबाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आप जब भी पॉइंट दबा रहे हैं तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और शांत रखें, और प्रेशर देते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा यदि आप माइंड में अफर्मेशंस करेंगे, जो रेकी चैनल हैं वो लोग तो इसको पॉइंट को एक्टिवेट करके वहीं पर अपना हाथ रख के रेकी भी दे सकते हैं विद अफर्मेशन कि लेट रेकी एनर्जी फ्लो एंड हील बाई दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे इसके साथ में ही बराबर में होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। इनको एक्टिवेट करने के बाद हम जैसे ही सीधे आएंगे, इसको जो लोकेट करने का तरीका होता है, यहाँ से थोड़ी सी आपकी, क्योंकि ये हेड के बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पे होती है, तो यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी, यहाँ पीनियल, हालांकि मैं फ़ोटो भी दिखा रही हूँ जिसमें आपको और क्लियर होगा कि कहाँ पर पोजिशंस हैं। यहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, थायराइड थाइमस। तो यहाँ पे इसको यहाँ धीरे धीरे प्रेशर देके सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थायराइड ग्लैंड हमारे ऑर्गन्स को जो भी है इसके सिक्रेशन से, यदि ये आपका प्रॉपर सिक्रेशन ना हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसको आप धीरे धीरे प्रेशर देके, यहाँ पे साबुत मूंग का दाना, स्टार मैग्नेट लगा के आप करेंगे तो यहाँ पे आपको थायराइड, जो आपको गले से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, गला यहाँ से स्वेल हो जाता है, ग्लैंड्स है, और यदि आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो आपको मोटापा भी आएगा, लिथार्जिक नेक्स भी होगी, कम कपाट होती है, कभी आपका पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, पल्स एकदम बहुत फास्ट चलने लगेगी, हाथों में कई बार किसी के तो शिवरिंग ट्रेमलिंग भी होती है। तो हर एक के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं थायराइड के। तो जिनको भी थायराइड है वो अपनी दवाइयाँ खाते रहें और अपना यहाँ पे इस पॉइंट को प्रेशर देके, चाहे वो साबुत मूंग लगाएं, चाहे वो अपना मेथी दाना लगाएं या स्टार मैग्नेट लगाएं, जब तक हमारा प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ। ये तो सिर्फ जस्ट टू एक्टिवेट योर ग्लैंड्स। आप अपने सिंपली घर में इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करें, पॉइंट्स लगाएं, तो आप, क्योंकि हमारे सारे ग्लैंड से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। ये तो बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता रही हूँ कि आप सिर्फ इन ग्लैंड्स को ही स्टिमुलेट करके अपने सारे शरीर के अंगों को नरिश कर सकते हैं और बेहतर उनका नरिशमेंट एक्टिवेट करने से हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा जो होता है एड्रेनल ग्लैंड होते हैं,
ये एक्यूप्रेशर बेसिक में एड्रेनल ग्लैंड दोनों आपके इस तरफ दिखाए गए हैं, क्योंकि किडनी हमारी बैक में होती है और जो एड्रेनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर एक टोपी सी होती है, दैट इज़ योर एड्रेनल ग्लैंड। ये हमारे जिन भी लोगों को डर लगता है, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, एंजाइटी की शिकायत है, तो ऐसे में यदि आप अपने एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क मिलेगा, क्योंकि किडनी का करस्पॉन्डेंस में पॉइंट पीछे भी होता है एक्यूप्रेशर में सुजोग के अंदर। तो अब यदि आप यहाँ पे यहाँ इसको ढूंढने का तरीका यही है कि यहाँ से आप जब चलते हो और जैसे ऊपर चलोगे तो जो यहाँ पे हमारा गड्ढा आएगा, इस गड्ढे पे जहाँ पे हमारा हाथ रुक जाएगा वहीं पे आपकी किडनी एरिया होता है, यहीं पे ही आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड को आप धीरे धीरे जब यहाँ पे प्रेशर करोगे तो जो वो आपके किडनीज का फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, सिक्रेशन अच्छा होगा। तो जैसे यहाँ चले, जहाँ आपको लगा ये एक ऊपर गांठ सी आ गई, एक आपका हाथ और नहीं चल रहा है, जो स्लोप है ऑब्स्टिकल हो रहा है, तो वहीं पे आपको किडनी का एरिया आता है। तो वहीं पे आप धीरे धीरे जब इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रेगुलरली प्रेशर करेंगे तो आपकी किडनीज एक्टिवेट होंगी, आपका फियर एंग्जाइटी एकदम से, जहाँ कई बार नर्वसनेस होती है, तो यहाँ पे यदि आप अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हमने समझा एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पे जो है आपका फ्रंट में ये एड्रेनल ग्लैंड पड़ता है, दोनों तरफ आप कर सकते हो, जिनको फ्रंट में किडनी को देना है यहाँ पे दे सकते हैं, ये भी सही है क्योंकि ये बेसिक के अंदर आता है जो बेसिक कोर्स में बताया गया है। और ये है आपकी पैनक्रियाज, यहाँ पे बिल्कुल ये जो आपका ये होता है इसी के आसपास आपका पैनक्रियाज का एरिया आता है। तो ये आप इसको किसी भी चीज़ से कर सकते हो, ये इसके एक्यूप्रेशर का पेन है जो बहुत इफेक्टिव है। उसके अंदर आप यहाँ पे धीरे धीरे इसको प्रेस करोगे, इसके अंदर ये बैटरी से चलता है, वाइब्रेशंस होती हैं इसके अंदर, तो धीरे धीरे आप यहाँ रखोगे प्रेस एंड पुल, तो यहाँ पे आपका ये जो पेनक्रियास का एरिया है वो एक्टिवेट होगा। जब पेनक्रियास एक्टिवेट होगा तो आपकी पेनक्रियास आपका जो इंसुलिन है वो अच्छे से सिक्रेट करेंगे और आपको शुगर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ सिंपल आपको बता रहे हैं, आप इसको फॉलो करें तभी आपको अपने रिजल्ट्स पता चलेंगे। अब यहाँ पे ये इस फिंगर के बीच में यहाँ और ये यहाँ, ये दो हमारी ओवरीज हैं, ठीक है, ये दो हमारी ओवरीज हैं और ये हमारा यूट्रस, और इधर सबसे नीचे हमारा रेक्टम का पॉइंट हो जाता है। तो इसको जब आप ये ओवरीज को दे रहे हैं प्रेशर, तो जिनसे भी जिनको भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यूरिन से आपका यूरिनरी कोई इन्फेक्शन है, इस तरह की किसी भी परेशानी में आप इसको अगर प्रेशर देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत आराम आने वाला है। तो डेली रूटीन में यदि हम खाली अपने घर के अंदर इस तरह की चीज़ें लेके अपने एक्यूप्रेशर का कोई भी या तो इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप इवन इस तरीके से कोई भी चीज़ पेन से, अगर आपको पॉइंटेड नहीं करना है तो आप पेन से धीरे धीरे इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सारी बहुत आराम से इस तरीके से आप इसको स्टिमुलेशन दीजिए। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर अपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रेशर दे लिया है, और हर एंडोक्राइन ग्लैंड का अपना कोई फंक्शन होता है, तो उसकी पूरी फंक्शन समझने के लिए आप क्लास अटेंड करें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं अब आपको टेप लगाना कि इस पे आपने सीड्स कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारे हमने अपने हाथ पे ग्लैंड समझ लिए, यदि हमने रोज रेगुलर बेस पे इसके ऊपर हमने क्या किया, या तो आप साबुत मूंग लगाएं, इस तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं, साबुत मूंग आपने एक लिया, यह हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पे लगा दिया इसी, और अगर आप दो साबुत मूंग साथ साथ ले लेंगे तो आपकी पीनियल ग्लैंड भी कवर हो जाएगी, क्योंकि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड आपकी साथ साथ आती हैं। तो ये हमने पिट्यूटरी पीनियल पे दो साबुत मूंग लगा लिया और अपना रात को सोते में लगाया, थोड़ा सा प्रेशर दे लिया और उस हिसाब से आपके ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्रेशर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और सीड लगाया।
और यदि आप रेकी चैनल हैं तो यहीं पे प्रेशर देने के बाद पहले अपने दो मिनट हाथ पकड़ के रेकी दी रेकी ईश्वरी रेकी का आवाहन करते हुए कि रेकी फ्लो हील एंड चार्ज एंड हील माय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। अब बिल्कुल शांत मन से रिलैक्स होके महसूस करते रहे कि दिव्य ऊर्जा इसके भीतर जा रही है और आपका पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं। ये आप हर पॉइंट पे प्रेशर देके कर सकते हैं क्योंकि कुदरत ने जो चीज़ हमें दी है हम सिर्फ कुदरत की चीज़ों को ही और बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। ये तो हमने इधर यहाँ पे मैंने साबुत मूंग बता दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे स्टार मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं यदि आप लोगों के पास स्टार मैग्नेट्स हैं, क्योंकि बहुत लोग एक्यूप्रेशर सीखे हुए भी हैं और रेकी चैनल भी हैं, इसलिए दोनों चीज़ों का ही साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत नेचुरल पद्धतियाँ हैं। ये आपके स्टार मैग्नेट हैं, इनको दो को लगाया क्योंकि थायमस ग्लैंड और आपका थायराइड ग्लैंड साथ साथ है, इनको आपने स्टार मैग्नेट लगा लिया और थोड़ा प्रेशर दिया और छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब चूंकि आपका पैनक्रियास का पॉइंट हथेली पे है, बड़ा है, आप ज़्यादा लगा सकते हो, तो इसके ऊपर आप मटरा या चने का दाना पैनक्रियास के ग्लैंड पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे किडनी की शेप जो होती है वो हमारे राजमा की तरह होती है, तो उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि आप राजमा लगाएं। यहाँ पे तो आपने पैनक्रियास पे अपना इस तरह से मटरा लगा लिया तो ये आपका पैनक्रियास एक्टिवेट हो गया इंसुलिन के लिए। इस सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यदि आप रेगुलर रात को लगा के आप हफ्ता 10 दिन लगा के देखें, फिर देखें कि आपको कितना चेंज लगता है। इस तरीके से आप राजमा लगाएं किडनी एरिया पे, फ्रंट में लगाना चाहते हैं तो फ्रंट में आप इनको इसको ऐसे लगा के, ऐसे आपने राजमा लगा लिया और इसको एक राजमा आपने ऐसे लगाया, ठीक है, एक राजमा ऐसे लगाया और दूसरा राजमा दोनों के जो पेट है ना आपके इस तरफ होने चाहिए, तो लाइक दूसरा राजमा टेप पे लगा के आप दूसरे राजमा को आप इस तरह से लगा देंगे, दोनों का जो पेट है वो आमने सामने होगा। तो ये आपने अपने, अगर फ्रंट में लगा रहे हैं तो ये आपने फ्रंट से अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया, और अगर आप बैक में लगा रहे हैं तो सेम इसी राजमा को हम ब्लैक में पीछे लगा रहे हैं, और यहाँ पे आप धीरे धीरे प्रेशर देते रहें तो ये इससे आपका एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। यदि और बेहतर आपको अपना एक्टिवेशन का चाहिए तो इस तरह के एक्यूप्रेशर सुजोग में हम लोग क्लस्टर मैग्नेट यूज़ करते हैं, क्लस्टर मैग्नेट एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। तो इसको आप अपने दोनों एक एक क्लस्टर मैग्नेट यदि यहाँ पे किडनी एरिया पे लगा देते हैं तो इससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी और आपका एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे दो मैग्नेट्स लगेंगे, एक यहाँ लगेगा और एक आपका यहाँ लगेगा। तो जैसे ही आप पोजीशन आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जैसे ही जो तरीका बताया है ढूंढने का आपको कि आपने अपने यहाँ से इस एरिए से ऊपर चले और ये यहाँ पे जहाँ पे ये हड्डी उठने लगती है यहीं पे आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है। तो ये आपने अपने एड्रेनल ग्लैंड को कर दिया। अब यहाँ पे आ गई आपकी ओवरीज, तो इसी तरह आप ओवरीज पे भी अपना साबुत मूंग लगा सकते हो, मटरा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो जिससे आपके पॉइंट्स ओवरीज एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। साबुत मूंग लगाएं आप, ये देखिए, ठीक है, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, ये एरिया आपका यूट्रस का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे आप मटरा लगा सकते हैं। जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है तो दो स्टार मैग्नेट यहाँ लगा लें और एक ये आप क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पे लगा लेंगे तो आपके ये यूरिन इन्फेक्शन को बहुत जल्दी इफेक्ट ठीक करेगा। और जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होता है वो तो इसको लगाते ही रहें तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
ये हम यदि आप सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप 15 दिन 20 दिन इसको लगातार लगाइए, आप देखेंगे कि आपको अपने आप में बदलाव मिलेगा, क्योंकि ये सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। चलिए, यदि आपको ये लगता है कि भी इतना इतने सारे ये हम एक 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 यहाँ पे साबुत मूंग लगा रहे हैं, एक मैं आपको सिंगल पॉइंट बता रही हूँ, जो पॉइंट का नाम है हमारा CV15। ये हमारे सारे ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को बेटर करता है, अच्छा करता है, वो एक सिंगल पॉइंट है। तो उस पॉइंट को जो ढूंढने का तरीका क्या है कि आप ये यहाँ से सीधे हाफ वो लेंगे, यहाँ आ गए हाफ, ठीक है, यहाँ से आपने ये देख लिया हाफ लिया, फिर ये यहाँ से आपने लिया अपना अंगूठे के थंब से चले, ये जब हाफ लिया आपने तो जो यहाँ से आप यहाँ पे आएंगी कि ये आपका यहाँ पे आपका तकरीबन CV15 पॉइंट पड़ता है। यहाँ पे रोज रात को क्लस्टर मैग्नेट लगा लेते हैं तो वो आपके सारे ऑर्गन्स के उसको एक्टिवेट कर देगा, सारे ऑर्गन्स को बैलेंस कर देगा। वो सिंगल पॉइंट है आपके सारे जो वो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को सुधारेगा। तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों में इस तरह से CV15 पॉइंट को लोकेट करके आप, हम समझते हैं CV15 पॉइंट को, CV15 पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल ये हम दोनों उंगलियों के बीच को हाफ करके बिल्कुल सीधा आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे यहाँ, और फिर ऐसे ही यहाँ थंब से हम एक बिल्कुल सीधी लाइन जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका CV15 पॉइंट आएगा। लोकेट करने का इसका तरीका यही है कि आप CV15 पॉइंट को यहाँ लोकेट करके, इस पर लोकेट करके आप CV15 पॉइंट को यहाँ पे आप अपना रेगुलर क्लस्टर मैग्नेट लगाएं, मटरा लगाएं, और रेगुलर आप इसको जब करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके एंडोक्राइन फंक्शंस की जो इम्प्रूवमेंट होगी उनकी फंक्शनिंग में, जिनको भी आपकी पीरियड से रिलेटेड इशू हैं, फियर रिलेटेड इश्यूज हैं, और बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन, घबराहट, एंजाइटी, ये सभी आपके बीमारियों में आपका CV15 पॉइंट बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आप लोग इस CV15 पॉइंट पे क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, बाकी तो सिंगल सिंगल मैंने आपको बताया ही है कि एक एक मैग्नेट आप लगा के या सीट लगा के आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के अपने स्वास्थ्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया था कि आप प्रेशर किस तरह से दे सकते हैं, कोई भी जिमी या पेन एक्यूप्रेशर का कोई भी इक्विपमेंट है आपके पास या किसी भी नुकीली चीज़ से आप दे सकते हैं। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको जैसे जैसे समझाए हैं एक में होते हैं, मोटा मोटा काम जो मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी को दिमाग में रखें आप, और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इन ग्लैंड्स के बारे में कहीं पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। जब हमें एक चीज़ समझ आ चुकी है कि हमारे सारे ग्लैंड से ही हमारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, सब ऑर्गन्स तक एनर्जी पहुंचना ही बहुत ज़रूरी है, तो इसी जानकारी के साथ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप अपने कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे आपके सभी बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। यदि आपको पसंद आती है, मेरे और भी YouTube पे रेकी के भी बहुत छोटे छोटे से मैंने अपने बनाए हैं सभी की, ताकि सब लोग इस नेचुरल पद्धति को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको आगे शेयर करें, अपना कमेंट भी दे सकते हैं। आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए रेकी में, एक्यूप्रेशर में, बहुत सिंपल वे में, तो आप मैं जानकारी ज़रूर देने की कोशिश करूँगी जितना भी मैंने सीखा है इतने समय में। तो इसी जानकारी के साथ फिर मिलूँगी आपसे जल्दी ही किसी और नए टॉपिक को लेके और सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि हर चीज़ आपको बहुत सिंपल करके पहुँचाना चाहती हूँ आप तक कि आप बहुत सिंपल वे में अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।